वो राजी क्यों नहीं होती, इसके बारे में मैं आज अभी बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोग आते हैं मेरे पास में, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑफलाइन आते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई उनकी इच्छा रहती है खुद को सेक्स करने की, मगर उनकी पत्नी जो है वो राजी नहीं होती या उनकी गर्लफ्रेंड राजी नहीं होती, और फिर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। उनकी इच्छा होती है फिर राजी होती नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने बनाती है, और फिर जब उनका मूड होता है और वो नहीं बोलती तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, फिर कुछ भी झगड़ा झंझट हो जाता है और फिर दो दो दिन बातें नहीं करते। फिर क्या करते हैं, दूसरे दिन जब रात को आते हैं तो फिर 36 का आंकड़ा, 36, एक का मुँह उधर, एक का मुँह उधर, और फिर बात ही नहीं करना, तो ऐसी अनबन होती रहती है। तो अभी इसके लिए क्या करें? क्या होता है कि मनुष्य जो है, मतलब पुरुष जो है, तो पुरुष को सेक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, इंटरकोर्स करने में इंटरेस्ट रहता है कि भाई पेनिट्रेशन करो, सेक्स करो, इजैकुलेट करो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और एक स्त्री को जो है वो उसमें तो रहता ही इंटरेस्ट, मगर उसको ज़्यादा रोमांस में इंटरेस्ट रहता है, मतलब भाई फोर प्ले करे, अच्छी बातें करे, उसको ज़रा भाव दे, उसकी तारीफ़ करे, प्रशंसा करे, उसके साथ में अच्छी रोमांटिक बातें करे, फिर धीरे धीरे आप फोर प्ले कर रहे हो और फोर प्ले करते 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 आप फिर नीचे नीचे जा रहे हैं, फिर क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं, थोड़ा फिंगरिंग करते हैं, ब्रेस्ट को चुमते हैं, मतलब ऐसा फोर प्ले में काफ़ी सारा समय देते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप तैयार करते हैं, तो ये सब होने के बाद में पेनिट्रेशन करते हैं। क्या होता है कि कोई भी स्त्री को पूरा एक्साइट होने के लिए, अराउज होने के लिए समय लगता है, 5 से 15 मिनट का समय वो ले सकती है, और पुरुष को क्या है कि जल्दी होना है, फिर इसमें थोड़ा सा इनकॉम्पेटिबिलिटी आ जाती है। हो सकता है उल्टा भी कि कभी कभी फिर स्त्री बोलती है कि आज मुझे करना है और पुरुष अभी उस दिन ना बोलता है, और फिर झगड़े झंझट, मतलब वो उल्टा भी हो जाता है। अभी इसके लिए दोनों ने भी यह समझना जरूरी है कि भाई जब आप सेक्स करते हैं तो दोनों का मूड अच्छा होना जरूरी है। क्या है कि कभी सैडनेस है, नर्वसनेस है, निराशा है, कुछ तो भी अनबन हो गई है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, किसके साथ में झगड़ा झंझट हुआ है और दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वो सब प्रेशर लेके घर में आया हुआ है। हो सकता है कि कुछ मूड ही नहीं है, या पेट ठीक नहीं है, पेट खराब है, या बॉडी दर्द कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, ही इज़ नॉट वेल, फिजिकली फिट नहीं है, मानसिक दृष्टि से भी फिट नहीं है, कोई परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, और ऐसे इसमें ये दोनों को भी हो सकती है, स्त्री को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है। हो सकता है कि ज़्यादा खाना खा लिया, पेट खराब है, बिगड़ा हुआ है। हो सकता है कि दोस्तों के साथ में टाइम बिताया, वहाँ झगड़ा झंझट हुआ, कुछ तो भी अनबन हो गया, भी घर में आया और अभी वाइफ उसको बोले कि अभी सेक्स करो, तो हो सकता है कि पुरुष के साथ में जो बातें होती है वही स्त्री के साथ में और वैसे वर्षा हो सकता है, और फिर ज़्यादा कंप्लेंट पुरुष वर्ग के तरफ से आती है कि भाई वो तैयार नहीं होती। तो हरदम पुरुष ने समझ के लेना चाहिए कि भाई आप प्लान करो, यदि आप सेक्स प्लान करते हैं तो आप पूछेंगे ऐसा कैसा प्लान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप पहले बोल सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई आज रात को करने का है, और जब आप प्लानिंग करते हैं उसको भी मालूम है और वो भी वो स्पेस में रहेंगी कि नहीं आज रात को करने का है। आपको यदि डेली करना है तो डेली बोल दो कि भाई इतने इतने बजे करना है, और फिर आप जब भी सेक्स करते हैं तब आप स्नान करके जाते हैं, अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है वो सब साफ सफाई करके जाते हैं, क्लीन एंड नीट जाते हैं, शेविंग करके जाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, रूम स्प्रे है, फिर चादर बदली हुई है, एकदम फ्रेश है, ना कहीं दाग है, कपड़ों के ऊपर तेल के दाग है, ख़राब कपड़े, बांस आ रही है, पसीने की बांस है, मतलब ये सब आप टालते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग वातावरण रहेगा और फिर उसमें दोनों को भी मज़ा आएगी। उसमें भी प्राइवेसी जरूरी है, बच्चे बड़े हुए तो बच्चों को भी वो कमरे में नहीं सुलाना है, लोग बोलते नहीं नहीं अभी 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो तो हमारे से अलग सोते ही नहीं है, नहीं आपको सुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा यदि है और वो कमरे में आपके साथ में सो रहा है, फिर आप राह देख रहे कि वो कब सो जाएंगे। आजकल बच्चे मोबाइल पे खेलते रहते हैं, सोते नहीं हैं 11-12 बजे तक, फिर वो सोएंगे, बाद में 1 बजे आप सेक्स करेंगे उनकी राह देखते देखते, तो फिर तब तक थक जाते हैं, दिमाग के ऊपर बहुत नींद आ जाती है और फिर इच्छा भी रहती नहीं है। तो ऐसे इसमें ना करते हुए यदि आपको दोनों को, मतलब पुरुष को राजी करना है स्त्री को, स्त्री को राजी करना है पुरुष को, तो एक शॉर्ट में बताता हूँ कि राजी करना है तो पहले ऐसे प्लान करो, अपॉइंटमेंट जैसे लेते वैसे अपॉइंटमेंट लो, तैयारी करो, मूड देखो, रोमांटिक बातें करो, शाम से वो स्पेस में रहो, और ऐसा रहते तो डेफिनेटली सेक्स एक एन्जॉयबल चीज़ हो जाएगी। फोर प्ले इज़ अ मस्ट, फोर प्ले करना ही है
उसमें स्त्री का काम यह है कि वो पुरुष को एक्साइट करे, और उसके लिए उसने कम्युनिकेट करना है, पूछना है कि भाई आपको कहाँ कहाँ एक्साइटमेंट ज़्यादा आती है। पुरुष का काम है कि स्त्री को एक्साइट करे, पूछ के कि उसको कहाँ का एक्साइटमेंट आती है, और फिर क्लाइट्रल स्टिमुलेशन इज़ ए मस्ट। जब तक स्क्विरिटिंग नहीं होता, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और स्क्विरिटिंग मतलब यूरेथ्रा से जो पेशाब की जो पेशाब का जो छेद रहता है जहाँ से पेशाब होती है, वहाँ से एक वाइटिश रंग का फ्लूइड निकलता है जो चिकना होता है, वो पानी जब तक निकलता नहीं है, जब तक वाइटिश डिस्चार्ज नहीं होता है, तब तक समझना है कि स्त्री अराउज नहीं हुई है। और वो जब अराउज हो जाती है, वो डिमांड करेंगी कि अभी करो, तब सेक्स करने का है। ऐसा करेंगे तो कोई भी स्त्री सेक्स के लिए डेफिनेटली ना बोलेंगे नहीं। वैसे प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, मतलब उसकी जो MC है, महावारी जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है, तो उसके पहले वो चिड़चिड़ापन उसको आ सकता है, उसके पहले वो नहीं बोल सकती है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नहीं बोल सकती है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन वो नहीं बोल सकती है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है, मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है। तो ये सब ख्याल में रखना जरूरी है बातें, और तभी फिर आप प्लानिंग करके मूड देख के ये करेंगे तो डेफिनेटली वो राजी नहीं है, या राजी होती नहीं है, या वो राजी होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सभी मैरिड लोगों को वैवाहिक जीवन सुखी करने के लिए शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।